पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद लगातार जो है ना वो फेरबदल किए जा रहे हैं, जिसका लोगों ने कई वालों ने जोड़ा स्वागत भी किया गया है, कई जड़े इदा दलों ने जिदा दूसरी पार्टियां वालों विरोध किया जा रहा है। तो अलग अलग टाइम पर उन्होंने वालों जोड़ा है विधानसभा सैशन सदे जाते हैं, लोगों के हित जल्ला ने जाने सैशन के जोड़ा है नवे रूल्स के नवे जोड़े उन्होंने वालों स्कीम्स लिया जाने ने वो बारे जी गल हों तो इस ही जो पिछले दिन ही एक सैशन सद्या गया भगवंत मान जिहड़े मुख्यमंत्री ने उन्हां वल्लों कि विधानसभा का सैशन जिहड़ा बुलाया गया सी, तां उन्हां वल्लों जिहड़ा है सब तो पहलां तां राजपाल वल्लों इजाजत दे दित्ती गई कि सैशन जिहड़ा है ये तुसीं कर सकते हो, पर उस तो बाद अगले दिन ही उन्हां वल्लों जिहड़ा है सैशन नूं रद्द कर दिता गया। तो इस दे खिलाफ जिहड़ा है हुण आम आदमी पार्टी उस वल्लों विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े आ उन्हां वल्लों एक वीडियो जारी की जाती है, वीडियो दे विच उन्होंने गल की है कि यह सीधा सीधा जिहड़ा है ये लोकतंत्र का घाण हो रहा है, जिथे कि पहला इजाजत दे दी जाती है सैशन वास्ते अते उस तो बाद उसनू रद्द कर दिता जाता है। तो हुण इसे दे विच ही अज सवेरे ही हजे जिहड़ा कैबिनेट मीटिंग होकर हटी है, जिस दे विच फैसला लिता गया है कि इसे मामले नू लैके हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा है उन्हां वल्लों अर्जी लगाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा अते 27 सितंबर नू 27 तरीक नू जिहड़ा उन्हां वल्लों दुबारा सैशन जिहड़ा रखिया गया जिस दे विच लोकां दे हित दी गल जिहड़ी आ उन्हां वल्लों कीती जाएगी। तो देखना होएगा हुण 27 तरीक नू सैशन हो पाता है कि नहीं हो पाता, सुप्रीम कोर्ट दे विच जाके आम आदमी पार्टी की सरकार वालों जो की फैसले लेते जाते हैं। इसे दे नाल ही वीडियो दे विच मुख्यमंत्री की कह रहे हैं तुहानू सुणाउने आ। नमस्कार, मैं भगवंत मान। आज पंजाब की मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिन ही पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी, कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं हैं, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके MLA जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। इनकलाब जिंदाबाद।